सेगमेंट में मैं आपको बताती हूँ कुछ असरदार घरेलू नुस्खे अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के। हम सब चाहते हैं कि हमारा त्वचा बिल्कुल साफ हो, हम बहुत सुंदर दिखें। त्वचा की आम तौर पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पिंपल्स हो गए या फिर ब्लैक हेड या फिर तैलीय त्वचा या रूखी त्वचा, इन सब की जड़ दरअसल क्लेंजिंग में होती है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो वाकई में जानते हैं कि त्वचा की सफाई किस तरह से की जाए। इसीलिए आज मैं आपको कुछ असरदार घरेलू नुस्खे बताऊंगी आपकी त्वचा को साफ करने के। त्वचा को साफ करने के लिए महिलाएं अक्सर साबुन का प्रयोग करती हैं। साबुन से त्वचा साफ तो हो जाती है, लेकिन साबुन के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए बेहतर यही रहता है कि आप अपनी त्वचा को मुल्तानी मिट्टी से साफ करें। मुल्तानी मिट्टी नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए इससे आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आपकी त्वचा के पोर्स भी कम होते हैं और अंदर से सारी गंदगी त्वचा की बाहर आ जाती है। लेकिन अगर आपकी त्वचा खुश्क है, तो खुश्क त्वचा के लिए तो आपको साबुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप थोड़े से जौ के आटे के अंदर कच्चा दूध मिला लीजिए और इस लेप से त्वचा को साफ कीजिए। आपकी त्वचा साफ भी हो जाएगी और साथ ही साथ त्वचा और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पिंपल्स और ब्लैक हेड्स। पिंपल्स और ब्लैक हेड्स तैलीय त्वचा में आम पाए जाते हैं। आपको साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि साबुन आपके पिंपल्स के साथ रिएक्ट करता है और पिंपल्स को और भी ज़्यादा ख़राब बना देता है। आपको सिर्फ थोड़ा सा कच्चा दूध रुई में लेकर उससे चेहरे को साफ करना चाहिए।